बापोली खंड के गांव जलमाना में मंगलवार को यमुना में चार परिवारों की खुशियां एक साथ ही डूब गईं। पांच के शव बरामद हो चुके हैं और 13 वर्षीय पायल की तलाश अभी जारी है। 12वीं कक्षा में मेरिट प्राप्त करने वाली 17 वर्षीय सरिता अपने सपनों के साथ ही डूब गई। सरिता के मेरिट में आने से उसके परिजन बहुत ही खुश थे और उसे कॉलेज भेजना चाहते थे। बताया जा रहा है कि सरिता पानी कम होने की सोचकर दूसरे किनारे जाना चाहती थी, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह डूब गई। उसे बचाने में बाकी 5 भी गहरे पानी में ही डूब गए। दूसरी ओर डूबने की सूचना पाकर DC पानीपत धर्मेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और परिवार वालों को सांत्वना देते हुए कहा कि इंजन बोट मशीन व गोताखोरों को जल्द से जल्द तलाश करने के लिए कहा गया है। और क्या कुछ कहा वह भी आप सुनिए। शासन भी लगा हुआ है, स्थानीय लोग भी लगे हुए हैं, किश्तियाँ वगैरह लगा रखी हैं, ड्राइवर भी लगा रखे हैं, आगे खोज के पुर में जाल भी लगाया है, तो जितने प्रयास किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं। एक साथ 6 लोगों के डूब जाने से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वही पूरे गांव समेत जिले में मातम का माहौल है। सूचना मिलते ही आसपास के गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और गोताखोरा की मदद से 3 के शव को एक साथ ही बरामद कर लिया गया था, तो वही 4थे शव को देर रात और 5वें को आज सुबह बरामद किया गया और गोताखोरों की मदद से 13 वर्षीय पायल की तलाश अभी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।